कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। कलर बस बैलेंस जरूरी है, जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजालाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके लिए राज्य भर में लेवल 3 की पाबंदियों को लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि लेवल 1 और 2 को खत्म करके उनकी जगह पूरे महाराष्ट्र में लेवल 3 और उसके ऊपर के लेवल की पाबंदियों को लागू किया जाएगा। कई जिलों को पहले दी गई छूट खत्म कर दी जाएगी। राज्य की 70% आबादी को टीका लगाने पर जोर दिया गया है। अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे ने चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर में राज्य के 50 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसमें 5 लाख बच्चे शामिल होंगे। शिंगणे ने बताया कि तीसरी लहर काफी तेज होगी, तब एक्टिव मरीजों की संख्या 8 लाख तक होगी। करीब 5 लाख बच्चे कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें से 2,50,000 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी अध्यक्षता में लगातार बैठकें जारी हैं। नेशनल लेवल पर पहली बार क्लास 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम को नए सिरे से तैयार करने का निर्णय लिया गया है। अधिकांश राज्यों से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 4 विभिन्न सेक्टर में राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है। राज्यों से मिलने वाले पाठ्यक्रम सुझावों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क NCF तय होगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जिला स्तर पर इनपुट के आधार पर तैयार किया जाएगा। पूरा जोर बदलती दुनिया के साथ कदम ताल से है। रामविलास पासवान की लोजपा में मचे घमासान का फायदा उठाने के लिए राजनीतिक रस्साकशी शुरू है। नीतीश की जनता दल यू जहाँ पशुपति पारस की पीठ पर हाथ फेर रही है, वही लालू की राजद चिराग पासवान को महागठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए डोरे डालने में जुटी है। इसी मंशे के साथ राजद ने दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती मनाने का फैसला किया है। 5 जुलाई को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पार्टी इसे मनाएगी। संयोग है कि चिराग पासवान भी उसी दिन हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर राग अलापते अलापते थक गए हैं, पर दावा करते हैं कि वे भारत को किसी भी अन्य पाकिस्तानी से बेहतर जानते हैं। एक अमेरिका मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार की सत्ता से विदाई के बाद ही भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरेंगे। याद रहे, इमरान ने ही 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि अगर मोदी दोबारा PM बनते हैं तो कश्मीर को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। उन्होंने मोदी पर संघ की विचारधारा से चलने का आरोप लगाया। रेड कॉरिडोर में मौजूद माओवादियों के बीच कोरोना संक्रमण के कारण भगदड़ मच गई है। सूत्रों के मुताबिक 2 टॉप माओवादी नेताओं समेत कम से कम 8 ने कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ दिया है। इस घटना के बाद से टॉप माओवादी और उनके कॉर्डर में डर और काफी बेचैनी देखने को मिल रही है। गोलियों से खेलने वाले नक्सलियों की घबराहट दूसरी लहर में ज्यादा देखी जा रही है। स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच और एंटी नक्सलाइट इंटेलिजेंस विंग के सूत्रों के मुताबिक बहुत से माओवादियों ने कॉर्डर का साथ छोड़ दिया है। दिल्ली गोवा राजधानी एक्सप्रेस शनिवार सुबह 4:15 पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पटरी से उतर गई। कोकण रेलवे के मुख्य प्रवक्ता के अनुसार ट्रेन संख्या 02414 मडगांव जा रही थी। मुंबई से करीब 325 किलोमीटर दूर करबुड़े सुरंग से गुजरते वक्त यह ट्रेन पटरी से उतर गई। एक बड़ा पत्थर पटरियों पर गिर गया था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। आनन फानन में आला अधिकारी पहुंचे। सुबह 8:18 पर रेलवे ट्रैक को ठीक कर दिया गया। 9:15 के आसपास ट्रेन वहां से रवाना हो गई। वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ED के घर पर छापेमारी और फिर निजी सचिवों की गिरफ्तारी के बाद अब उनसे पूछताछ की बारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को 11:00 पूछताछ के लिए बुलाया, मगर वे पेश नहीं हुए।
उनकी जगह पर उनके वकील ईडी दफ्तर पहुंचे। इसके पहले करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद देशमुख की निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को शुक्रवार को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी एटीएस ने जिस धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया है उसकी अब फंडिंग की जांच भी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो नोएडा डेफ सोसाइटी 117 के जिन छात्रों का धर्मांतरण करवाया गया उनके अकाउंट में विदेश से रकम आई थी। पूछने पर छात्रों को ये बताया गया था कि ये उनकी पढ़ाई के लिए एक संगठन की तरफ से फेलोशिप दी गई है। ये रकम 10,000 से लेकर 50,000 तक बताई जा रही है। हर एक धर्मांतरण पर गिरफ्तार आरोपियों को भी विदेश से रकम मिलती थी। 26 जून को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को विरोध प्रदर्शन करते हुए पूरे 7 महीने हो गए हैं। इस मौके पर किसान आज देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा किसान संगठन ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में है। इससे पहले किसान संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक रोष पत्र लिखा है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करें। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजालाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।